वेरी गुड, आ जाओ जी। माँ के दिनों नए नए कपड़े पहन लिए, आ जाओ। न्यू सूट पहन लिया है, इधर दिखाओ शक्ल अपनी, है उधर नहीं जाना। हाँ जी, इधर आ जाओ, इधर कहाँ चलना है, आ जाओ। ये रही है, मुझे लेके जा रहे। वेरी गुड, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। कहाँ जाना, चलो चलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बन रहा है आज? बैंगन का भरता बन रहा है। अच्छा जी, वाह जी वाह। तो लोग तो तंदूर में भी भेज देते हैं बैंगन को रोस्ट करने के लिए, या चूल्हा जो होता है उस पर रोस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ मैं जो करती हूँ वो ओवन में भी कर लेती हूँ और एयर फ्रायर में भी। ठीक है जी, आज मैं एयर फ्रायर में रोस्ट करूंगी। इससे कम खर्च भी आएगा तो जल्दी भी हो जाएगा जी, बिजली भी कम खर्च होगी। हाँ, और डिफरेंट तरीके से। सही है, मैं जिस तरह से पकाती उस तरह से मैं। ठीक ठीक है। हम बचपन में ना हमारी अम्मी ना सीख में परो देती थी एक लंबी सी ने तो बैंगन को, तो हम वो तंदूर वाले को देते थे। अब तंदूर ख़त्म होता था ना, वो उसमें रख देते थे जी। तो 30 मिनट बाद वो ले आते थे। वो कभी कभी होता था। हाँ, तो वो उससे रोस्ट हो जाते थे, गर्मियों में होते थे। सही है, बिल्कुल 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 सही बात है। तो आए फिर दिखाएं जी। ये तीन बैंगन मैंने लिए जो ठीक है जी, जो एयर फ्रायर में आ जाएंगे फिट। ठीक है, और ये टमाटर डालेंगे, ये धनिया और ये हरी मिर्ची भी डालेंगे। जिंदाबाद जी। हाँ, तो ये मैंने प्याजों को मैंने ब्राउन करने रख दिया है। अच्छा अच्छा हाँ सही है। साथ इसमें मैंने जीरा भी डालना था तो जीरा भी थोड़ा सा मैं शामिल कर ली। ठीक है जी। देखें, जीरा भी डाल दिया। दो मीडियम प्याज है, तेल में मैंने ब्राउन किया और अब जीरा डालना है बस ये। तो अब जब उसके बाद बताएंगे क्या करते। तो ये एयर, और ये देखें अदरक, ये अदरक है और ये लहसुन है। ठीक है जी, ये भी डलेगा। अदरक मैं इसी में डाल देती, अभी डाल देती, अभी डाल देंगे। हाँ, जीरा डाल दिया, अब ये अदरक भी डाल रहे हैं ताकि साथ में ना ये भी भुन जाए ना। सही है, अदरक भी भुन जाए। ये तो ऑलमोस्ट तैयार ही है। काम मैंने पहले कर लिया था, काम आसान हो गया। तो अब ये लहसुन यहाँ पे आ जाए। लहसुन को भी उसमें डालना है? नहीं, लहसुन को रोस्ट करेंगे बैंगन के साथ। हाँ, उसी में एयर फ्रायर में। हाँ, एयर फ्रायर में जाएगा। सही। तो इधर आ जाइए बैंगन। अब इसको ना मैं कट लगाऊंगी। है देखें, ये चारों तरफ से और लहसुन को हम इसी में डाल देंगे। ठीक है, ये देखें लहसुन को इसी में, ये गल भी जाएंगे और टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको कट लगाने का मतलब ये भी है कि जो इसका छिलका होगा ना बैंगन का, ये आराम से निकल भी जाएगा और लहसुन का टेस्ट भी अंदर आ जाएगा, लहसुन रोस्ट भी हो जाएगा जी। तो बस मैं ये कर दूँ फिर दिखाती। बैंगन में मैंने कट लगा लिया और लहसुन भी मैंने फिल कर दिया है। तो अब मैं इसको ना एयर फ्रायर में बेक करने लगी हूँ। और यहाँ पर बैंगन मैंने एयर फ्रायर में डालने से पहले एयर फ्रायर की जो जाली होती है नीचे, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था, जिस वजह से ना जो बैंगन होता है ना वो चिपक, यानी कि चिपक ना जाए, आसानी के साथ ना निकल आए। तो मैंने तेल लगा लिया, उसके बाद में बैंगन को रखने लगी। तीन बैंगन को इसमें रख देंगे, देखें पूरे बैंगन फिट का आगे लहसुन के साथ, और हरी मिर्चें भी इसी में जाएगी, इसी में रख देंगे हरी मिर्चों को, बैंगन और हरी मिर्चें। ये देखें हो गई। अब इसको रोस्ट के दे रहा ये रहा। अब ये रोस्ट होगा फिर दिखाएंगे। सही। बैंगन मैंने रोस्ट होने रख दिए हैं। तो अब जो मसाला, जो प्याज है ब्राउन कर लिए मैंने, तो इसमें मैं टमाटर और दूसरे सब मसाले नमक मिर्च डालने लगी हूँ, मसाला बनाने लगी। हाँ, मसाला भूनने लगी हूँ। ठीक है। मैंने तीन मीडियम टमाटर है, ये प्याज भून या ब्राउन हो गई, तीन मीडियम टमाटर डाल देंगे।
अब इसमें आधी आधी चमची नमक मिर्च, ये देखें नमक आधी चमची, आधी हाफ टी स्पून फुल लाल मिर्च, और ये हाफ टी स्पून जो है हल्दी, और हाफ टी स्पून काली मिर्च, और एक टीस्पून जो है ये धनिया का पाउडर। बस अब इसको बस इसका मसाला तैयार होगा, और जो बैंगन जो हो जाएंगे तो उसका छिलका निकाल के तो इसमें गूदे को मैश करके, हाँ मैश करके फिर इसमें मिक्स करेंगे बस, और भरता तैयार। हाँ जी, और यहाँ पर चिमटे की मदद से बैंगन के जितने भी छिलके हैं वो मैं बारी बारी उतार रही हूँ, और बहुत ही आसानी के साथ उतर रहे हैं तमाम छिलके। और उसके बाद मैं फोर्क की मदद से बैंगन को मैश कर लूँगी, और जो मैंने लहसुन बैंगन में शामिल डाल के मैंने जो पकाया था ना, उसका जो फ्लेवर है वो भी बैंगन के अंदर रच गया है, और जो लहसुन है वो भी ब्राउन हो चुका है यानी रोस्ट हो चुका है, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना है। तो अब मैं इन सबको ना फोर्क की मदद से मैश करके तो मसाले में मिक्स कर दूँगी बस। मसाला तैयार हो गया है और बैंगन भी रोस्ट हो गए हैं, तो बैंगन को मैंने चम्मच की मदद से ना मैश कर लिया है, तो अब मैं बैंगन को मसाले में शामिल कर दूंगी। इसमें जो हरी मिर्च रोस्ट की थी ना वो भी मैंने इसी में काट ली है, एक ये बची हुई है, इसको मैं ऐसे ही डाल दूंगी ये रोस्ट हुई हुई को, तो अब इसको शामिल कर देंगे बस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें कैसी जबरदस्त लुक आई है निकल के, ये देखें इसमें रोस्ट हुए हुए बैंगन शामिल हो गए हैं, और रोस्ट हुई हुई हरी मिर्च, और जो मैंने लहसुन भी रोस्ट किया था बैंगन में, वो सब चीजें मैंने शामिल कर दी है मसाले में, तो ये जबरदस्त किस्म के बहुत अच्छे बैंगन हमारे तैयार हो गए हैं। चलें जी सर्व करते। और यहाँ पर बैंगन के भरते को सिर्फ मैंने एक दो मिनट ही पकाया था, क्योंकि बैंगन भी पके हुए थे और मसाला भी भुना हुआ है, तो बस इसको एक दो मिनट ही पकाया, और उसके बाद ये रेडी हो गया है।